दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम मैनुअल रूप से जीएसटी का इनवॉइस किस प्रकार तैयार करते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड इस प्रकार के जीएसटी के इनवॉइस देखे होंगे जहां पर टैक्सेबल रेट है, उसके जीएसटी की अमाउंट है और कुछ इस तरीके के टैक्स की जो समरी है वो भी तैयार करी हुई होती है। तो हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये जो टैक्सेबल रेट है उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार निकलती है, जीएसटी की अमाउंट की जो कैलकुलेशन है वो हम किस प्रकार तैयार करते हैं, नेट अमाउंट है उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो या अकाउंट्स का कोर्स अभी आप सीख रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट होगा, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपसे कुछ इस तरीके का एक ब्लैंक फॉर्मेट दिया जाएगा और उसमें आपसे ये बात भी पूछी जाएगी कि आप हमें मैनुअल रूप से जीएसटी का इनवॉइस बना के दिखाओ, जिसमें से कि आपको टैक्सेबल रेट भी आपको कैलकुलेट करना होगा, जीएसटी की अमाउंट भी आपको कैलकुलेट करनी होगी, नेट इनवॉइस की जो वैल्यू है वो भी आपको तैयार करके देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको कंप्यूटराइज्ड के साथ साथ मैनुअल भी इनवॉइस है जो आपको तैयार करना आना चाहिए भी, जीएसटी की जो कैलकुलेशन है वो हम किस प्रकार तैयार करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास दो ये फॉर्मेट हैं, एक जो ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर सब कुछ हमारा डाटा फिलअप किया हुआ है और ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम इस ब्लैंक को हम जीएसटी का बना के देखेंगे भी हमारी जो कैलकुलेशन है इस इनवॉइस जहाँ पर ये जो कैलकुलेशन आई है ये कैलकुलेशन किस प्रकार आई है, हम आपको ये कैलकुलेटर के द्वारा ये मैनुअल रूप से करके बताएंगे इनवॉइस की वैल्यू और ये जो टोटल की जो नेट वैल्यू है ये हमारे इस इनवॉइस के टोटल के साथ किस प्रकार मैच करेगी। तो दोस्तों वीडियो सारा ही प्रैक्टिकली है तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ में ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये जो फिलअप किया हुआ जीएसटी का इनवॉइस है उसको हम एक बार देख लेते हैं ताकि जब हम ये जो हमारा मैनुअल रिकॉर्ड हम जो मेंटेन करेंगे उसमें हमें समझने को कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये एबीसी ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा इशू किया हुआ इनवॉइस है और इसका जो कस्टमर है वो श्याम ट्रेडर्स है और उसके बाद में इस इनवॉइस में कुछ ये स्टॉक आइटम आपको दिखाई दे रही है जैसे कि सुपर T1 केजी है, क्वांटिटी इसकी 15 पैकेट है, इसका जो नेट रेट पर यूनिट का 212 रुपये, यानी कि पर यूनिट का मतलब यानी कि पर पैकेट है या फिर पर केजी है या पर पीस है, तो ये 212 रुपये पर पैकेट का रेट हो गया। जैसे ये 39 है, ये 39 पर केजी का रेट हो गया, 475 रुपये ये भी पर केजी का रेट है, इस तरीके से 95 पर पीस का रेट हो गया, तो यानी कि पर यूनिट का रेट है। आगे आपको यहाँ पर HSN कोड आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में GST परसेंटेज, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे GST 5% है, यानी कि ये जो स्टॉक आइटम है ये 5% की स्टॉक आइटम है और ये जो वैल्यू यहाँ पर जो लिखी हुई है नेट रेट, यानी कि इस अमाउंट के अंदर ये जो 5% का टैक्स है GST वो इंक्लूड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टैक्सेबल रेट जो निकाला हुआ है, उसके बाद में ये जो GST की अमाउंट निकाली हुई है और उसके बाद में ये नेट अमाउंट निकाला हुआ है और उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये समरी तैयार हुई है। तो हमें ये सब कुछ ये जो हमें जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन, एक तो हमें टैक्सेबल रेट कैलकुलेट करेंगे, GST की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में इसकी नेट वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में ये जो टोटल सारा हमारा जो टैक्स का जो समरी का जो रिकॉर्ड है उसको हम सारे को तैयार करेंगे। तो हम चलते हैं इस हमारे ब्लैंक फॉर्मेट पर। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम देखेंगे, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 212 रुपये की, यानी कि इस 212 रुपये में GST 5% इंक्लूड है, तो सबसे पहले हम इसका टैक्सेबल रेट है जो निकालना पड़ेगा। तो टैक्सेबल रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप मैनुअल रूप भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकते हो। हम इसको समझने के लिए एक बार हमको कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करके बताएंगे। जैसे कि 212 रुपये हमारी वैल्यू है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 212, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100 से और उसके बाद में GST है हमारी इस पर 5% की, हम इसको भाग कर देंगे 5% 105 से, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी 100 से किया है तो हम इसको भाग भी 100 के साथ करेंगे, यानी कि GST जितने परसेंट की GST है उसमें 100 प्लस कर देंगे, यानी कि भाग 105। तो आप देख रहे हो 201 रुपया और 90 पैसे अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू बन चुकी है। अब टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, टैक्सेबल रेट का 201 रुपया और 90 पैसे, अब इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हो भी ये जो वैल्यू है 212 रुपये और यहाँ पर 201 रुपये 90 पैसे है, यानी कि अब इस वैल्यू में से हमने जो टैक्स की जो अमाउंट थी 5% की वो हमने अलग कर दी है, तो ये इसका बेसिक वैल्यू आ चुका है।
यानी कि 212 रुपये में तो जीएसटी 5% इंक्लूड है, लेकिन हमें टैक्सेबल रेट का मतलब हो गया, अभी अगर आप टैक्स की अमाउंट को अलग कर देते हो तो आपके पास सामान की कीमत कितनी बचती है, 201 रुपया और 90 पैसे इसकी वैल्यू आएगी टैक्सेबल रेट का, यानी कि एक ये पर पैकेट का रेट है टैक्सेबल रेट। उसके बाद में आएगा जीएसटी अमाउंट, तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 201 रुपये की जो हमारे पास टैक्सेबल रेट आया पर पैकेट का, इसको हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 पैकेट के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास रेट आया 201 रुपये 90 पैसे, इसको हम इंटू करेंगे 15 के साथ, इंटू 15 तो करेंगे तो ये 3,028 रुपये और 57 पैसे। तो इसको हम एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 3,028 रुपये और 57 पैसे। अब ये जो जीएसटी की जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट निकलनी है वो इस अमाउंट के ऊपर निकलनी है। तो इस अमाउंट को ऊपर निकालने के लिए 3,028, अब ऊपर टैक्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू 5%, तो यानी कि 151 रुपये और 43 पैसे इसकी टैक्स की अमाउंट आ गई है। तो ये जो टैक्स की अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 151 रुपये और 43 पैसा। अब उसके बाद में यहाँ पे आगे वाला कॉलम आ गया नेट अमाउंट, यानी कि इस आइटम की नेट अमाउंट कितनी बन गई विद जीएसटी के साथ। तो जीएसटी तुम्हारा 151 रुपये 43 पैसे आई गया और इसकी जो बेसिक वैल्यू है वो 3,028 रुपये 57 पैसे है, तो हम इसके अंदर इसको प्लस कर देंगे, तो 151 रुपये और प्लस 3,028 रुपये और 57 पैसे इक्वल करेंगे तो आप देख रहे हो 3107 रुपये और 99.85, यानी कि 3180 रुपया हम पूरा बन गया। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे नेट अमाउंट में 3180 रुपये। अगर हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देखें, यानी कि 212 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 212 इंटू 15, तो आप देख रहे हो इसकी भी 3180 रुपये ही बनेगी। तो वैसे भी हमने इसको 3180 रुपये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए। तो हमें हमारा जो मकसद है वो वही है कि हमें जीएसटी इनवॉइस बनाते वक्त हमें इसको टैक्सेबल रेट किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी किस प्रकार अमाउंट है जो निकलती है। उस प्रकार जो सेकेंड अमाउंट हमारे पास जो इसकी है क्वान्टिटी 12 केजी है और इसका जो रेट है 39 और इसके ऊपर भी जीएसटी 5% का, यानी कि इस 39 में जीएसटी 5% इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक रेट निकालना पड़ेगा, तो बेसिक रेट निकालने के लिए जो 39 इंटू 100 भाग 105, तो यानी कि 37 रुपये और 14 पैसे, तो इसको 37 रुपये और 14 पैसे को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको 37 रुपये 14 पैसे से इसकी क्वांटिटी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 12, तो अब 445 रुपये और 71 पैसे। तो इसको भी हम एक बार यहाँ पर नोट कर लेंगे, हम यहाँ पर नोट क्यों कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी बाद में जब हम समरी तैयार करेंगे। अब इसके साथ हम इसको इसकी अब उसके बाद में जो 5% का जो टैक्स हमें निकालना है इसके ऊपर वो हमारी इस अमाउंट पर निकालना है, तो 445 इंटू 5%, तो यानी कि 22 रुपये और 29 पैसे इसका टैक्स आ गया। तो हम इसकी जो वैल्यू और अब उसके बाद में इस 22 रुपये 29 पैसे और इसका जो टैक्सेबल अमाउंट बना था उसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के लिए भी कम करेंगे 445.71 प्लस और इसका जो जीएसटी अमाउंट आया है 22 रुपये और 29 पैसे, तो यानी कि 468 रुपये इसका पूरा अमाउंट आ गया। तो हम इसको 468 रुपये की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में जो थर्ड आइटम है हमारे पास सरस घी, और इसकी जो क्वांटिटी है 5 केजी और इसका जो नेट रेट है वो है 475 और इसके ऊपर जो जीएसटी है वो 12% की, यानी कि अब इस 475 रुपये में 12% का टैक्स इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमें 475 रुपये का टैक्सेबल रेट हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए 475 इंटू 100 भाग 112, क्योंकि इस पर जीएसटी है जो 12% की है, इक्वल करेंगे तो ये 424 रुपये और 11 पैसे, तो ये 424 रुपये और 11 पैसे इसका टैक्सेबल रेट आ गया। अब इसको 424 रुपये 11 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसके क्वांटिटी से, तो इंटू 5, तो यानी कि 2120 रुपये और 54 पैसे
इसको हम एक बार यहाँ नोट करेंगे, 2120 रुपये और 54 पैसे। तो अब जो हमारा जीएसटी अमाउंट निकलना है वो इसके अमाउंट पर निकलना है, तो 2120 अब 12% है तो इनटू 12%, तो यानी कि 254 रुपये और 46 पैसे इसका टैक्स आ गया। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 254 रुपये और 46 पैसे को, और उसके बाद में 254 रुपये 46 पैसे और प्लस 2120 रुपये 54 पैसे को प्लस कर देंगे, प्लस 2120.54। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2375 रुपये की इसकी अमाउंट बन गई, तो ये तो 2375 है इसका नेट अमाउंट बन गया। इस प्रकार जो हमारे पास फोर्थ आइटम है हेयर ऑयल, क्वांटिटी 8 पीस है, 95 इसका रेट है और इस पर जीएसटी 18% की है, यानी कि इस 95 में 18% का टैक्स इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमें इस 95 का हमें टैक्सेबल रेट हमें निकालना पड़ेगा, तो 95 इंटू 100 भाग 118, तो यानी कि 80 रुपये और 51 पैसे। तो ये 80 रुपये और 51 पैसे इसका बेसिक रेट आ गया। और उसके बाद में अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी क्वांटिटी के साथ, तो यानी कि इनटू 8, तो ये 644 रुपये और 7 पैसे। तो इसको भी हम एक बार यहाँ पर नोट करेंगे, 644 रुपये और 7 पैसे। अब जो 18% का टैक्स निकलना है वो इस वैल्यू पर निकलना है, तो 644 इनटू 18%, तो यानी कि 115 रुपये और 93 पैसे, ये इसकी जीएसटी की अमाउंट आ गई। अब उसके बाद में 115 रुपये और प्लस 644 रुपये 7 पैसे को ऐड कर देंगे, प्लस 644.07, तो यानी कि 760 रुपये इसकी नेट वैल्यू बन गई। तो इसको भी हम यहाँ पर 760 लिखेंगे। इस तरीके से जो हमारे पास लास्ट आइटम बच गई हेयर शैम्पू, क्वांटिटी इसकी 17 पीस है और इसका जो नेट रेट है वो 35 रुपये है, और इसका जो जीएसटी रेट है वो 28% का है, तो यानी कि अब इस 35 रुपये में जीएसटी 28% है जो इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमें इस 35 रुपये का टैक्सेबल रेट हमें निकालना पड़ेगा, तो टैक्सेबल 35 रुपये का निकालने के लिए 35 इंटू 100 भाग 128, तो यानी कि इसका जो टैक्सेबल रेट है वो 27 रुपये और 34 पैसे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 27 रुपये और 34 पैसे। अब इसको 27 रुपये 34 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 के साथ, तो इनटू 17, तो यानी कि 464 रुपये और 84 पैसे। इसको भी हम यहाँ पर एक बार नोट करेंगे, 464 रुपये और 84। और अब जो 28% का जो टैक्स निकलना है वो इस अमाउंट पे निकलना है, तो 464.84 इनटू 28%, यानी कि 130 रुपये और 16 पैसे, तो ये अमाउंट है जो हमारा इस जीएसटी में आएगा, 130 रुपये और 16 पैसे। अब इसको 130 रुपये 16 पैसे को हम जोड़ेंगे 464 के साथ, तो प्लस 464.84, तो यानी कि 594.99, यानी कि 595 रुपये इसकी टोटल अमाउंट बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 595 रुपये, क्योंकि इसमें 594.9962 रुपये, तो इसके साथ ही टोटल अमाउंट बन गई। अब बात आती है इसकी टैक्स की समरी को हम किस तरीके से तैयार करेंगे। तो टैक्स की समरी अगर हम तैयार करें, तो जैसे अब एग्जम्प्ट है 5%, 12%, 18%, 28%, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है वो जीएसटी 5% वाली लिखनी है। भी आपके पास 5% की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो अभी हमने ये जो वैल्यू निकाल दी ये सारी नेट वैल्यू है, यानी कि इस अमाउंट के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, तो हमें टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू हमने पहले यहाँ पर लिख दी है। तो जो 5% वाली है ऊपर की जो अमाउंट है दोनों वो 5% की है, क्योंकि ऊपर वाली दोनों वैल्यू है जो 5% की है, तो हमने इसकी टैक्सेबल वैल्यू इनके सामने लिख दी थी, तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐड हम दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसको प्लस करने के लिए 3028.57 प्लस 445.71, तो यानी कि
3474 रुपये और 28 पैसे। तो 3474 रुपये और 28 पैसे इसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से आगे वाली जो वैल्यू हमारे पास 12% की, तो 12% की वैल्यू हमारे पास एक ही है 2120 रुपये की, क्योंकि हमारे पास एक ही अमल स्टॉक आइटम है 12% वाली। तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारे पास 2120 रुपये और 54 पैसे की है। इस तरीके से जो 18% वाली है, उसके बाद में जो 28% की वैल्यू है वो 464 रुपये और 84 पैसा। तो इस तरीके से ये सारी टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है, और उसके बाद में हमें इसका टैक्स है जो लगाना है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है इस इनवॉइस में। ये जो टैक्स की अमाउंट है ये किस तरीके से कैलकुलेट हुई है इसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए कैलकुलेटर ऑन करेंगे, और सबसे पहले हमारे पास जो 5% की वैल्यू है वो 3474 रुपये और 28 पैसे की है। अब इसके ऊपर हमें 5% टैक्स है जो वापस ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इनटू 5%, यानी कि 173 रुपये और 71 पैसे इसका टैक्स आ गया 5% पूरा। तो आधा हिसाब हमें CGST करना है, आधा सेंटर का करना है, यानी कि SGST टैक्स। तो जितना हमारा 5% का टैक्स आया है इसको हम डिवाइडेशन कर देंगे 2 से भाग 2, तो यानी कि 86 रुपये और 86 पैसे इसका टैक्स आ गया। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 86 रुपये और 86 पैसे, इतना ही हमारा SGST टैक्स आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो 12% की आइटम है, जो टैक्सेबल वैल्यू है 2120 रुपये और 54 पैसे इंटू 12%, यानी कि 254 रुपये इसका 12% का टैक्स आ गया। इस टैक्स के अमाउंट को भी हम आधा आधा करेंगे भाग दो, यानी कि 127 रुपये और 23 पैसे। तो 127 रुपये 23 पैसे, तो इधर भी 127 रुपये और 23 पैसे। इस तरीके से जो हमारे पास 18% की जो अमाउंट है 644 रुपये और 7 पैसे, इसका हमें 18% निकालना है, तो इनटू 18%, यानी कि 115 रुपये 18% का टैक्स आ गया। अब इसको भी हम आधा आधा करेंगे तो भाग दो, तो 57 रुपये और 97 पैसा और इधर भी 57 रुपये और 97 पैसे। तो और लास्ट अमाउंट 28% वाली है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू है 464.84 इंटू 28%, यानी कि 130 रुपये इसका पूरा टैक्स आ गया। हम इस टैक्स को भी आधा आधा करेंगे तो भाग दो, यानी कि 65 रुपये और 8 पैसे। तो हम इसको भी करेंगे 65 रुपये और 8 पैसे, और यहाँ पर भी 65 रुपये और 8 पैसे। तो इस तरीके से हम उसके बाद में टोटल इसका जो टैक्सेबल टोटल है इसको हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो 3474.28 प्लस 2120.54 प्लस 644.07 प्लस 464.84। तो इस तरीके से टोटल ये 6,6703 रुपये और 73 पैसे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 6,6703 रुपये और 73 पैसे। उसके बाद हम टैक्स की अमाउंट को भी जोड़ेंगे, तो इसमें जैसे कि हमारे पास आ रहा है 86 रुपये और 86 पैसे प्लस 127 रुपये 23 पैसे प्लस 57.97 प्लस 65.08, तो 337 रुपये और 14 पैसे। तो 337 रुपये 14 पैसे, और यहाँ पर भी 337 रुपये और 14 पैसे। तो उसके बाद में बारी आएगी यहाँ पर भी इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है। तो टैक्सेबल अमाउंट हम ये वाला हमारा तो 6,703 रुपये 73 पैसे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो 6,603 रुपये और 73 पैसे। और उसके बाद में बारी आएगी भी हमारे पास जितना टैक्स की एड GST, तो टैक्स की अमाउंट कितनी है। तो जितना हमारे पास टैक्स आ रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे भी 337.14 प्लस 337.14, यानी कि 674 रुपये और 28 पैसे। तो 674 रुपये
28 पैसे। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस 6703.73 प्लस 674.28, तो यानी कि 7378 रुपये और 1 पैसा, 7378। तो 7378 रुपये और 1 पैसा अब इसकी वैल्यू है। अब हम इसको हमारा जो मैच करेंगे जो हमारे पास कंप्यूटराइड इनवॉइस था उसके साथ में, तो सबसे पहले हम इसकी टैक्सेबल वैल्यू को मैच करेंगे। तो अभी आप देख, हमने जो टैक्सेबल वैल्यू, इसकी जो नेट वैल्यू हमने निकाली है, टैक्सेबल वैल्यू 201.90 रुपये, हमारे पास भी 201.90 रुपये। सेकेंड आइटम की 37.14 रुपये और 37.14। उसके बाद में 424.11, तो हमारे पास भी 424.11, 80.51, 27.34 रुपये और 27.34। इस तरीके से ये GST की अमाउंट भी 151.22 रुपये, 254 रुपये और 46 पैसा, 115.93 रुपये और 130.16 रुपये। और उसके बाद में नेट अमाउंट 3180, 468, 2375, 760 और 595। इस तरीके से हमारी जो टैक्स की समरी हमने जो तैयार करी है उसको भी हम मैच करके देखेंगे, ये जो हमने टैक्स की मैच करी है। तो आप देख रहे हो इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू 3474, 2120, 644, 464, यानी कि 6703। और उसके बाद में जो टैक्स की अमाउंट है 337.13 रुपये, हमारे पास आ रहा है 14 पैसे। एक आधे पैसे का फ़र्क आपके पास में हो सकता है, ये कैलकुलेशन की मिस्टेक में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो टोटल आया 6703 रुपये, तो आप देख रहे हो इसमें भी 6703.73 रुपये और उसके बाद में 674 रुपये और 28 पैसे हमारा टैक्स का अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से 7378 रुपये और 7378 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पता होना चाहिए भी हम नेट अमाउंट से टैक्सेबल वैल्यू को किस प्रकार है जो कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद में आप देख रहे हो इस किस तरीके से हमारे जो 3180 रुपये जो नेट अमाउंट आई है किस प्रकार से आई है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक देके जरूर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।